हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको ब्लॉग कैसे बना सकते हो, मतलब ब्लॉग बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए और आप ब्लॉग कैसे बना सकते हो और आपको बोलना कैसे है। देखो यही सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके बाद फिर मैंने देखो बहुत सारे सामान लिए क्योंकि मुझे अब कॉलेज जाना है, तो मैंने बहुत सारा सामान लिया है अपने कॉलेज जाने के लिए क्योंकि मुझे अब वहाँ अपना यूट्यूब सेटअप पूरा सही से करना है। तो इस वीडियो में क्या क्या लिया वो भी बात करूंगा और साथ में आपको ब्लॉग कैसे बनाना, कुछ मेरे पास दिवाली की अपनी वीडियो पड़ी है जो मैंने दिवाली में अपने फैमिली के साथ शूट की है, तो उसके थ्रू मैं आपको बता सकूंगा कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शुरू करते हैं अब। देखो सबसे पहला पॉइंट कि आपको क्या क्या चाहिए ब्लॉग बनाने के लिए। देखो ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा ट्राइपॉड जो मेरे हाथ में है, और दूसरा आपको माइक चाहिए। माइक मैंने अभी लगाया नहीं है क्योंकि मेरा जो माइक है वो सामान सारा घर में फैला हुआ, कहाँ चला गया मुझे मिल नहीं रहा। माइक और ट्राइपॉड तो इसकी आपको जरूरत है। तीसरा है डेटा, आपको डेटा चाहिए जिसे आप वीडियो को अपलोड कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट्स है, इसको आपको याद रखना है। तो अब ब्लॉगिंग करने की टिप्स की ब्लॉगिंग करते कैसे, तो इसको देखो, ये जो वीडियो है मैंने ब्लॉग टाइप की, इस तरीके से आप फैमिली ब्लॉग भी कर सकते हो। देखो हेलो गाइस, तो आज मैं मिलाऊंगा आपको अपनी मम्मी से। मम्मी बम फोड़ने चाहिए नहीं, अच्छा पूजा करनी चाहिए नहीं, पूजा ना हो मैं तो दिन सही नहीं करती। अच्छा अच्छा, और नहाना चाहिए, नहाना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। अच्छा, और गंदे कपड़े पहनने चाहिए नहीं, कदापि नहीं। और क्या क्या करना चाहिए बताओ। नहाना चाहिए, पूजा पाठ सबसे जरूरी है। अच्छा पूजा पाठ ही, मतलब नहीं, समय समय सारी चीज करना चाहिए। मीट मछली एकदम नहीं, मीट मछली अच्छा, दूसरे मास खा के कौन से इतनी बड़ी बात। अच्छा अच्छा, और बताओ, और जो तुम्हें देख रहे उनके लिए क्या कहना चाहोगी बताओ। उनके लिए क्या कहूँ, हैप्पी दिवाली है। हैप्पी दिवाली। तो भाइयों दोस्तों, ये है मेरी मम्मी और ये है मेरे पापा। सही स्टिया कर दो। तो पापा थोड़े सीधे मम्मी के मुकाबले और एक मेरा बड़ा भाई है, और मम्मी काफी ज्यादा सपोर्ट करती है अगर मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ। हम सब आगे देखते हैं, अभी बम फोड़ रहे हैं। तो भाइयों ये वाला बम फूटेगा उधर। तो ब्लॉगिंग फैमिली ब्लॉग हो, आपके बहुत टाइप्स के हैं, ट्रैवलिंग ब्लॉग हो, फूड ब्लॉग हो, आपकी कोई स्किल ऐसा आर्ट, आप उस टाइप के ब्लॉग बना सकते हैं। तो आपके पास जैसी स्किल आप वैसा ब्लॉग बनाइए। तो ब्लॉगिंग के कई टाइप्स हैं, आप जैसी आपके पास नॉलेज है आप उस टाइप के ब्लॉग बना के अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है अपना कमरा और ये मेरे मेडल्स हैं जो मैंने जीते थे, और भाई का शीशा, ये अपना पूजा घर जिसको आज बहुत अच्छे से मम्मी ने सजाया है, तो इसको देख सकते हो। भगवान ऐसे ही मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा चलाओ और मैं बहुत तरक्की करूँ। अभी मैंने मंगाए हैं अपने नए जूते डिकैथलॉन से, इसको मैंने खोला और ये रेड वाले, पहले भी मैंने जूते मंगाए थे ये वाले, ये मैंने पहले पहने थे, मतलब अच्छी क्वालिटी होती है, 2 साल की वारंटी होती है डिकैथलॉन वालों की, तो अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। तो अब इसको पहनते हैं, 24.99 के आए हैं। अगर आप कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रहे हो तभी आपका चैनल ग्रो करेगा, और आपको 2 या 4 डेज के अंदर ही डेली वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपके व्यूअर्स आपको ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आपको डेली ब्लॉग करना पड़ेगा, जिससे कि आपका चैनल इजीली ग्रो हो सकता है। ये
ऐसे करके खड़ा है ऐसे ही खुलेगा। तो ये भाइयों मैंने मंगवाया है, मेरा माइक है आईफोन का, जो माइक नहीं है मेरे पास, तो मैंने ये आईफोन के माइक के यूज के लिए मंगाया। देखते हैं चल के कैसा चलेगा। चार दिन कैसे चल रही है। हेलो गाइस, तो आज है पूजा, और पूजा में क्या क्या होने वाला है सब दिखाऊंगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को पूरा देखो। प्रसाद दिया, प्रसाद बन गया। लगी अगर अच्छी लगी हो, अगर ब्लॉग से रिलेटेड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर करिए, जिससे हमें पता चल सके कि वीडियो कैसी थी। तो अपना नया चैनल है सपोर्ट करिए भाई, इंस्टाग्राम आनंद भारद्वाज के नाम से है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि हम आपसे जुड़े रहेंगे। तो गुड बाय।